हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है संगू की दुनिया में। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला हेल्दी और झटपट तैयार होने वाला पराठा। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, फास्ट में इसको उपवास में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हम सूखा हुआ लेंगे, साबुदाने लेंगे और इसको पीस लेंगे, दुदुरा पीस लेंगे। ज़्यादा महीन भी करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल। ये देखिए पीस के रेडी हो गया है। अब इसमें मिला देंगे आलू, बॉयल आलू मिलाएंगे। आलू आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। ये देखिए हमने इसको कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची, डाल देते हैं थोड़े से अपने स्वादानुसार आप डाल दीजिए। इसमें डाल देंगे काली मिर्च, डाल देते हैं थोड़ा, नहीं भी डालें तो भी चलेगा, डाल देते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं, व्रत में खाने वाला नमक डाल देते हैं। थोड़ा धनिया पत्ती डाल देते हैं हरी, दिखता भी अच्छा और टेस्टी भी हो जाता है। अब इसको गूंद लेते हैं अच्छे से, गूंद कर रेडी कर लेते हैं। आटे की तरह जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद के रेडी कर लेते हैं इसको अच्छे से मसल मसल के, कि तैयार हो गया हमारा आटा। अब इसको हम बेल लेते हैं, इसको हम गोले बना के बेल लेते हैं। देखिए थोड़ा फट जाते हैं साइड साइड, तो इसको किसी बाउल के बड़े कट कर लेंगे तो गोल एकदम अच्छा शेप आ जाता है। देखिए बन के रेडी हो गया। अब इसको हम तवे में सेक लेते हैं, सेक गया एक सेकंड। अब इसमें घी लगा के लगा देते हैं और दोनों साइड घी लगा के सेक लेते हैं पराठे को मस्त। बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाता है कुरकुरा। ज़्यादा तेज़ आँच में मत सेकिएगा, स्लो आँच में सेकिए, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जिससे हर कोई हेल्दी खाना खा सके व्रत में। ओके, बाय, टेक केयर। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। बाय।